हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रसोई की रौनक में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक कप गेहूं के आटे का बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता, जिसे हम बहुत ही फटाफट और बहुत ही कम चीजों के साथ बनाकर रेडी करने वाले हैं, जिसे आप एक बार बनाएंगे तो बार बार यही बनाना पसंद करेंगे। समोसा और कचौरी से भी ज्यादा टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, जिसमें हम एक टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल हल्का गर्म हो गया है, अब हम इसमें आधा चम्मच राई डालेंगे। अब इसे हम चटकने देंगे। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और एक छोटा चम्मच सफेद तिल डालेंगे। तीनों का फ्लेवर नाश्ते में बहुत ही अच्छा आता है। इसे हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। आप चाहे तो सफेद तिल यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ दो कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे, जिसे मैंने बारीक काट कर ले लिया है। साथ ही में हम एक इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे, जिसे मैंने ग्रेट करके ले लिया है। इन्हें हम कुछ देर के लिए इस तरह से भून लेंगे। लगभग हमें इन्हें 10 से 12 सेकंड के लिए भून लेना है। आप यहाँ पर अदरक की जगह अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो हमने सारी चीजों को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो हम यहाँ एक कप पानी लेंगे। आप कोई भी घर की कटोरी या कप से मेजरमेंट कर ले। अब हम यहाँ नमक डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा चम्मच नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक डाले। अब हम यहाँ एक चम्मच चिली फ्लेक्स लेंगे। अब हम यहाँ एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी में बॉईल आ गया है। अब हमने यहाँ जिस कप से पानी नाप कर लिया था, उसी कप से हमने यहाँ आटा नाप कर लिया है। तो मैंने यहाँ एक कप आटा लिया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। हमें यहाँ आटे को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, सारा आटा एक साथ नहीं डालना है, और इसे हमें चलाते हुए पकाना है। यहाँ हमें इसका एक अच्छा सा डो रेडी करना है, तो हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। इस टाइम फ्लेम को लो कर ले। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छे से एक डो के फॉर्म में आ जाए। इसे हमें लगभग 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। तो आप देख सकते हैं, हमारा जो आटा है वो डो के फॉर्म में आने लगा है। इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो हमने आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये बिल्कुल एक डो के फॉर्म में आ गया है। अब हमारा जो डो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हल्का ठंडा होने देंगे। आटे को हमने एक बाउल में निकाल लिया है। आटा हल्का ठंडा हो गया है। इस तरह से टच करके देखने पर, हम इसे हाथ से छू सके इतना ये गर्म है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है। अब हम यहाँ एक उबला हुआ आलू लेंगे, जिसे हम ग्रेट करके डाल देंगे। ग्रेट करने से आलू के मोटे टुकड़े नाश्ते में नहीं आएंगे। मैंने यहाँ एक आलू का यूज किया है। आप चाहे तो आलू की क्वांटिटी यहाँ बढ़ा भी सकते हैं। एक की जगह आप दो आलू का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब हम इन्हें आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे को बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का ठंडा होने पर ही हमें ये सारी चीजें इसमें ऐड करनी है। इस तरह से हम आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें मिलाते हुए लगभग 2 से 3 मिनट तक गूंद लेना है, जिससे कि हमारा जो आटा है वो अच्छे से रेडी हो जाए। हमें इसे अच्छे से मसलते हुए गूंद लेना है। जैसा हम आटा गूंदते हैं, उसी तरह का हमें डो रेडी करना है। हमें इसे तब तक गूंदना है जब तक आलू आटे में अच्छे से मिल ना जाए। अगर आटा हाथों को चिपकने लगे तो थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे गूंदे। तो हम इस तरह से आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। तो हमारा जो आटा है वो बिल्कुल एक डो के फॉर्म में आ गया है। बहुत ही अच्छे से हमने इसे मसलते हुए गूंद लिया है। इस तरह का हमें आटा लगाना है। हमने आटे को अच्छे से गूंद लिया है। तो आप देख सकते हैं, हमने आटे को अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए गूंद लिया है। अब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से डो ले लेंगे। तो हमें बहुत ज्यादा डो नहीं लेना है, इतना हमें डो लेना है। आप चाहे तो इस तरह से सिलेंडर शेप में भी इसे रेडी कर सकते हैं, स्क्वायर शेप में, ट्रायंगल शेप में, किसी भी शेप में आप इसे बना सकते हैं। मैं इसे कचौरी का शेप दूंगी, तो इसके लिए मैं इसे गोल कर लूंगी। अब हम इसे इस तरह से थोड़ा सा हाथ से दबाते हुए चपटा कर लेंगे। तो देखिए,
ये बन गया हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान नाश्ता। इसी तरह से हम सारे आटे को रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इन्हें बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। हमारा तेल गरम हो गया है। बहुत ज्यादा गरम तेल नहीं करना है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा तेल करना है। फ्लेम को हमें हाई टू मीडियम करते हुए इसे फ्राई करना है। तो अब हम इसमें जो नाश्ता है उसे फ्राई कर लेंगे। अगर हम फ्लेम को हाई ही रखेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगे, और अगर हम लो फ्लेम में इसे फ्राई करेंगे तो ये ऑयली हो जाएंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर फ्लेम को हाई टू मीडियम करते हुए इसे फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा नाश्ता अच्छा फूलने लगा है। तो हम इन्हें पलटते हुए फ्राई करेंगे। इस साइड से ये अच्छी फ्राई हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसमें कलर आया है। तो इसी तरह से हम नीचे से भी इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता है और बहुत ही फटाफट से और घर की ही चीजों से बनकर रेडी हो जाता है। तो आप इस नाश्ते को जरूर ट्राई करें। आप सभी को ये बहुत पसंद आएगा। और अगर नाश्ता पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, आप देख सकते हैं। तो हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बचे हुए सारे नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। तो हमने इसे फ्राई कर लिया है। लग रही है ना बिल्कुल कचौरी जैसी। कोई यकीन नहीं करेगा कि इसे हमने सिर्फ गेहूं के आटे से बनाकर रेडी किया है, वो भी घर में रखे हुए बहुत ही कम सामान के साथ, और टेस्ट में बहुत बढ़िया है। आप जिसे भी खिलाएंगे वो तारीफें करता नहीं थकेगा। तो एक बार इसे बनाकर जरूर ट्राई करें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूलें। और आप मेरी ये रेसिपी को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। मिलते हैं ऐसी ही इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ।